हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भाई हम अपना एक स्पेशल दिन, मतलब एज अ लॉयर हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक दिन में हम एज अ लॉयर क्या क्या करते हैं। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट और थोड़ा सा बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे हैं और हमारे इंटर्न ऋषभ अत्री ऑलरेडी वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, ऋषभ इंटर्न नहीं है साथ में, मतलब हम दोनों साथ में काम करते हैं। तो एक हमारी क्लाइंट मीटिंग है और साथ में एक मैटर में हमारी हियरिंग है, तो जल्दी से चलते हैं यार, थोड़ा सा लेट मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ। तो अब आइए आपको दिखाते हैं कि एक लॉयर अपने दिन में क्या क्या करता है, मतलब कैसे क्लाइंट मीटिंग होती है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा जहाँ तक मतलब अलाउड है वहाँ तक आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं फटाफट से पटियाला हाउस कोर्ट। भाई एक तो दिल्ली में ठंड इतनी है और उसके बाद सुबह सुबह उठ के कोर्ट जाना यार जनन बहुत मुश्किल है, पर क्या करें, ड्यूटी कॉल्स भाई, जाना पड़ेगा। अब कोई मैटर लगा हुआ है तो जाना तो अर्जेंट है भाई, फटाफट से पहुंचते हैं पटियाला हाउस। तो भाई हम फाइनली पटियाला हाउस पहुंच चुके हैं और ऋषभ का मैंने अभी कॉल करा था तो कह तो रहा था कि मैं पार्किंग में पहुंच चुका हूं, पर मेरे को लगता नहीं है, वेट करवाएगा। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, पहले से मिलते हैं बाहर फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। फाइनली पटियाला हाउस पहुँच गए हैं और पीछे मेरे को आते दिख रहे हैं हमारे जूनियर एडवोकेट ऋषभ अत्री। प्लीज़ एक बार देखिए फटाफट से, जूनियर एडवोकेट साहब आ गए हैं। नमस्कार नमस्कार, कहाँ हो एडवोकेट साहब? भैया क्लाइंट छुड़ाने की नहीं, आगे क्लाइंट चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लेट पहुंचोगे फिर कैसा काम चलेगा? लाइन लगी हुई है क्लाइंटों की, लाइन लाइन लगी है और क्या, बस समय नहीं है वो तो क्लाइंटों को देने। ये बाहर नोटरी वाले वकीलों पर कब से लाइन लगने लगी बाबू? आप नोटरी वाले वकील हमें एकदम सोफिस्टिकेटेड। अच्छा चल, अब आज हमारे क्या क्या, एक तो मैटर अपना चेक बाउंस का, हाँ ठीक है, और एक क्लाइंट मीटिंग है, एक मेल लगी हुई है, उसमें तो डेट ही मिलेगी ना? पर अगली नहीं, मैं वो आया सुबह उसमें हो आया। अच्छा आप लेट है। चले फिर अंदर चले, चलो पार्किंग करके चलो अंदर चलो। हाँ भाई, हाँ भाई, पहन लिया कोट? पहनना पड़ता भाई, क्या करें, ड्यूटी बुलाती है तो जाना पड़ता है। सुपरमैन को भी अपना केप पहनना पड़ता है ना फिर जब जाता तो। तो वकील को भी अपना कोट पहनना पड़ता है। जितना मजाक मजूक करना कोर्ट के बाहर, अंदर हम सीरियस प्रोफेशनल वकील हैं। चला दा तो भाई चैम्बर हमारा अत्री एंड मेरा, आ जाओ दिखाते हैं क्या करते हैं हम यहाँ पे पूरे दिन। फाइलें निकाल भाई, बैठा हुआ वीडियो बना रहा। पढ़ ले जब तक, एक बार तू भी फाइल देख ले, लेट आया ना तू, टाइमली आया कर सकते ना, शायद इसके चेक के साइन पे भी इशू है कुछ, हो सकता है सिग्नेचर एक्सपर्ट को बुलाने के लिए भी बोलना पड़े अगर पार्टी आ जाती है तो। अरे एक आदित्य वाले केस में वकालत नामा साइन हो गया अपना? हाँ हाँ हो गए थे, भेज दिए थे ना वो लड़के के, तो भेज दिए थे। तो गाइस वकालत नामा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ लॉयर एंड हिज क्लाइंट, कि जो भी हमें फर्स्ट डे पे फाइल करना है कि मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूंगा। और चेक बाउंस का केस आता है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर, तो उसके अंडर हम पूरी प्रोसीडिंग जो होती है उसके अंडर ही होती है। बाकी सब आप गूगल कर सकते हैं कि चेक बाउंस के केस का क्या प्रोसीजर है, सब कुछ कैसे होता है। भाई हियरिंग का टाइम हो गया अपना, चले फिर चेक बाउंस वाले केस में एक बार हियरिंग करें। कैमरा हम कोर्ट में लेके तो जा नहीं सकते, तो वहां तक जहां तक भी हम जा पाएंगे वहां तक रिकॉर्ड कर लेते हैं हम कोर्ट। भाई यहाँ से आगे कैमरा तो अलाउड नहीं है, तो यहाँ अंदर जा रहे हैं हम हियरिंग के लिए। भाई नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है, उसके नाम पे पहले बोले ही था कि होना ही नहीं है। आज भी नहीं आया वो? ना लग तो नहीं रहेगा। आगे भी नहीं पता। तो उसका राजकुमार वाले केस में क्या हुआ? कॉफी आओ कॉफी पीते हैं, देखते हैं। जो कल 156-3 की ड्राफ्टिंग थी वो हुई? हाँ जी वो हो गई है, और उसमें कर दिया, बस स्केच में देखते हैं। ठीक है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
तो इन सब चीज़ों के बाद हम आ गए अपने चैम्बर में, जहाँ पे हमने अपने नेक्स्ट डे के लिए सब कुछ प्रिपेयर करा, अपने शेड्यूल पे रेंज चेक लिया कि नेक्स्ट डे हमारे कौन सी मीटिंग है, कहाँ कहाँ पे किस कोर्ट में हमारे मैटर लगे हुए हैं, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट थे उनको हमने ड्राफ्ट्स को कंप्लीट करा और आगे अपने शेड्यूल को फॉलो करते हुए कि नेक्स्ट डे पे हमें क्या क्या करना है वो डिस्कस करा। हाँ भाई वकील साहब, पाँच चल दिए भाई, काम करने पड़ते हैं, क्लाइंट मीटिंग है, जाना पड़ेगा, पहले गाड़ी निकलवा भाई। ये क्या पार्किंग खरीद ले पर्सनल यहाँ पे? तो मैं पार्किंग वाला थोड़ी हूँ, गाड़ी निकलवा पार्किंग वाले ना भाई, अपने लिए पैसा इतना कहाँ लेके जाओगे आप? आपसे कम है सर, इतने बड़े वकील ट्रेंच दिखाओ जरा, एक दिन दिखाओ ट्रेंच कोट पहन के घूमने वाले वकील भाई एकदम, ये देखो हीरो। ओए होए 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 हां बैठ जल्दी फटाफट से, अंदर बैठ। तो भाई फाइनली आज हमारी मतलब कोर्ट का सारा काम खत्म हो गया, एक हमारी क्लाइंट मीटिंग बची है 10-15 मिनट की, वही एक क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद दिन खत्म, फिर चलेंगे लंच पे। यार लंच जाएंगे, हां लंच करने के लिए हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, उसके बाद लंच करेंगे और फिर जिम लगाएगा तू? फिर जिम लगाएंगे, तू भी चल लियो आज साथ में। मैं ब्रो बैडमिंटन खेल रहा हूं। ये भाई 6 महीने की मेंबरशिप लेता है और 6 दिन जाता है पूरे साल की मेंबरशिप में 6 दिन, 6 दिन से ऊपर हो नहीं पाता। जिम वालों का भी तो घर चलना चाहिए ना। सही बात है भाई, बहुत नेक दिल आदमी है हमारा। अब अत्री जी एडवोकेट बन के इतने पैसे कमा रहे हैं तो कहीं तो खर्चने हैं ना, तो ये जिम में लगवा देते हैं हम कोई नहीं। और मैं तो जाऊंगा भाई बैडमिंटन खेलने, जिम नहीं, हम भाई फिजिकल फिटनेस प्रॉपर होनी चाहिए। ये जिम वाले जो ये फर्जी बॉडी बना के घूमते हैं कोर्ट में, क्या तू कोर्ट फट जाएगा अगर पहनेगा तो? और क्या लगना चाहिए, तुसी भी कोर्ट असी भी कोर्ट, मिलो 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 क्लाइंट नाल मिलो। चल भाई चल भाई चला ले अब, चलो चलो भाई। हाँ जी हो गई मीटिंग। अरे यार सर खा गया। अच्छा जी, कभी कभी पर करना पड़ता भाई काम के लिए, काम के लिए तो चीजें करनी पड़ती हैं, टेढ़े मेढ़े क्लाइंट मिल जाते हैं। अब लंच करने चले? लंच भी करने चल रहे हैं, अब यहाँ से सीधा करेंगे लंच और उसके बाद निकलेंगे घर, क्योंकि दिल्ली में हो रही है बहुत तगड़ी ठंड। कितनी? 10 डिग्री टेम्परेचर दिन में भाई, तो -10 लग रहा है। और रात को तो बर्फ पड़ने वाला, बस बर्फ पड़नी रह गई दिल्ली में। कैसे यहाँ बर्फ पड़ने वाली है? कहता रहो दिल्ली में बस बर्फ नहीं पड़ती, ठंड उतनी है भाई ज्यादा। मैं कौन किससे बात हो रही थी मेरी मसूरी में, वो जो होटल के लिए, तो वो कह रहे भाई ठंडी ठंड क्या सूखी ठंड पड़ती है दिल्ली में, वहां से भी ज्यादा, दिल्ली से ज्यादा ठंड नहीं, दिल्ली की सर्दी का मुकाबला। देखो देखो ये ऐसे धूप ही नहीं निकलती भाई यहाँ पे, पूरे पूरे दिन ऐसे ही चल रहा काम यहाँ पे। तो भाई करते फिर, अब यहीं पे एंड हो गया दिन अपना। बिल्कुल भाई, अब चल यार फटाफट, अब चल रहे हैं घर, निकलते हैं अब इसके बाद और फिर कर देंगे अपना जो आप जिम करना, आप बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलूंगा और फिर कल सुबह फिर से कोर्ट में मिलेंगे, वही सेम मिलते हैं कोर्ट विच 9:30 शार्प। आई विल सी यू इन कोर्ट। भाई अब हम अपना दिन खत्म करने से पहले जा रहे हैं फिटनेस के लिए, थोड़ा सा बैडमिंटन खेलने और उसके बाद फिर सोएंगे चैन से और कल सुबह फिर कोर्ट जाएंगे। तो फिलहाल हम अपने सारे दोस्तों को उठाने पिक करने जा रहे हैं, 5 मिनट में आपको उन सबसे मिलाते हैं। और तुम्हारा भाई बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है, चाहे वो माने ना माने, अभी गेम भी दिखाऊंगा आपको अपनी। कहाँ खेल रहा है? Yo, what's up? I don't know, man. पहली बार क्या खेल रहा है? मैं तो अभी अभी आया हूँ। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। छाती फाड़ दूंगा स्मैश मार के तेरी। हाँ ऐसा करते हैं, गारंटी है एकदम, देख अभी शायद दिखाऊंगा। हाँ भाई गेम क्यों हार गया तू ये बता रही थी? पहली गेम जीता हूँ वो तो बता दे, दूसरी क्यों हारा ये बता। खाना कम खाया, जान नहीं लग पा रही है, अभी लगेगी, लगाओ भाई मेहनत करो। अगली गेम में देखियो छाती पे ही स्मैश मारूंगा, रिकॉर्ड करवा लो इसको, पूरी गेम रिकॉर्ड होगी, ओपोनेंट सेम रहेंगे। ठीक है भाई डन हो गया। ये और नीतीश शर्त लग गई, चल कितने की शर्त लगा रहा हूं, की शर्त लगा रहा हूं। अब है ना शर्त बात जनवन वाली, कितने की? चलो इसके बाद पार्टी करने जाएंगे, एलटीपी होगी, छोड़ एलटीपी, जो हारेगा वो पूरे कोर्ट के पैसे देगा। डन है, हो गई, रिकॉर्ड करूंगा इसका तेरे को पैसे देते हुए। भाई देख लो वरदान मुझसे डर चुका है, मेरे से मैच लगाना था, मेरे ओपोनेंट के साथ ही खेल रहा है, मेरे प्लेयर के साथ ही खेल रहा है, सॉरी। फिर से बोल,
ये क्या बैटमैन बन के घूम रहा है, बैटमैन बन के क्या घूम रहा है? हांडा कितनी गेम जीता तू? सारी प्रोफेशनल प्लेयर है। क्या हो गया, क्या हो गया? ये जिंदगी में पहली जिंदगी में पहली बार खेल रहा है। कितनी बार खेलना है? पहली बार, दूसरी बार? प्रोफेशनल। कोहरा देखो, कोहरा भाई। ओके भाई, तो भाई लोग फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। अब हम करते हैं इस दिन को ख़त्म। गुड नाइट आप सबको, और लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।